जाता है, ठंडी सी पड़ गई अचानक से, तो मोटी जैकेट निकालनी पड़ेगी सुबह के लिए। अभी मैं सिंगल पतली सी जैकेट में आता हूँ। What's up everyone, welcome back to our YouTube channel, this is RPG, this is, कौन है भाई तू? साक्षी। तो इसने अभी कुछ कारनामा कर दिया, मैं अपने लिए पीनट बटर सैंडविच बना के लाया था और इसके लिए लाया था आलू का टोस्ट। पीनट बटर सैंडविच ऊपर था तो जो पहले हाथ में आया कोई लपेट लो, ऐसा होता है ना। इसने सॉस में लगा के पीनट बटर सैंडविच खाया, वाह कैसा टेस्ट था, मौज आ गई। तो अभी हम आया छत पे, बड़ा मन कर रहा था, मतलब बॉडी मेरी अंदर से कह रही थी धूप चाहिए, धूप धूप, ठीक है, धूप मांगती बॉडी। सो मैं धूप में आने के लिए बैठ गए एंड अभी भी बहुत स्मॉगी स्मॉगी टाइप दिख रहा है। सो जस्ट धूप लेंगे और चले जाएंगे। बड़ा मज़ा आता है मेरे को सर्दियों की धूप में बैठने में। सर्दियों की धूप में एक ही चीज़ मेरे को याद आती है, वो है मटर वाले चावल। मटर वाले चावल ऊपर से वो मक्खन, मुझे मूली चाहिए। सो जस्ट आई एम हैविंग दिस नॉट विद सॉस, विदाउट सॉस। बचपन में क्या होता था, जैसे अभी चारपाई दिख रहे हो झूल रही है, तो हम जहाँ रहते थे वहाँ पे सबके चारपाई होती थी ऐसी वाली, एक बनती थी जूट वाली, रस्सियों वाली, जो अगर सॉफ्ट नहीं होगी तो आप अच्छे से चुभेगी, तो उसमें मज़ा भी आता था, वो झूल जाती थी पूरी। ये वाली भी अगर ये जब फटने लगती थी हम इसमें टांग निकाल के नीचे लटका के सोते थे, टांग निकाल ली, हाथ निकाल लिया, झूल गई, लेट गए, झूला झूल लिया, ये होता था। धूप पे सोने का अलग मज़ा है, और चारपाई पे मैं भी सो जाता था उल्टा हो गया घंटा। तो हमारे पास अपनी छत नहीं है इसलिए हम प्रॉपर मज़े नहीं लेते, वरना मैं आपको छत पे ही दिखता सर्दियों में धूप में। तुम तो पर जिम बना लेते पेपर, हाँ जिम सेटअप कर लेता मैं, पुल अप बार वगैरह ये सब जो बेसिक होता है वो तो लगा ही देता। सो अभी तो दोपहर के बज रहे हैं 1:35-1:40 होने को है, बीच में है एकदम सुई। सो अभी मैं जस्ट नहाने जाऊँगा क्योंकि कल से मेरे तेल लगा रखा है मैंने, अब इसको निकालने का समय आ चुका है। आई हैव डन माय लंच। लंच मैंने आज खाया था राजमा और चावल। आप सोचो कि राइट पे और राजमा चावल, हाँ भाई राजमा उबाल करके उसको अपने हिसाब से बना करके बॉयल्ड राइस के साथ थोड़े से, और चावल और एग्स, अंडे, अंडे का ऑमलेट। मेरी बीवी भी यहाँ पे खा रही है अपने हिसाब के राजमा चावल विद कुरकुरे, नया ट्रेंड चला है, आप भी चला लो, ठीक है। तो अब यही चल रहा है बस ज़िंदगी में, तो और कुछ है नहीं ऐसा, बाकी देखते हैं क्या होगा आगे। हमारे घर रोज़ हमेशा कुछ ना कुछ छुपाने आती है यहाँ पे, अपना पिटारा। सो अपनी तो हो गई नहाई नहाई और गर्म कपड़े, सर्दियों के यार लगे मजे, गर्म पानी में नहाना, कपड़े ढीले ढाले पहनना, बड़े बड़े पहनना, गर्म पहनना और साथ साथ अच्छा अच्छा खाना, इट्स अमेजिंग। बस हाँ इस बार सर्दियों में थोड़ा सा मेरा अनलिमिटेड नहीं रहेगा, जैसा हमेशा हर सर्दियों में रहता है अनलिमिटेड हो जाता है मेरा सब कुछ, मतलब खाना पीना सब अनलिमिटेड, अभी सब लिमिटेड रहेगा, इवन कटिंग भी रहेगी सब कुछ, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं खाऊंगा, जैसे कि मीठा जो मुझे बहुत ही पसंद है, गुड़ की पट्टी, गज्जक और भाई सब पता नहीं क्या क्या जो भी आप ले सकते हो ना सर्दियों में खा सकते हो वो सब। सो उसमें कटौती होगी और कुछ नहीं, क्योंकि थोड़ा अचीव करना है ना गोल को, जहाँ तक पहुँचना है अभी वहाँ तक पहुँचे नहीं है, अभी हम कतार में, अभी हम लाइन में, अभी हम चल रहे हैं बस। सो इवनिंग कॉफी इज हेयर अजीज़ों, और साथ साथ व्लॉग हो रहा है अपना एडिट, और शाम के बज रहे हैं 6। सो ये है लेटेस्ट अपडेट, मेरी बीवी घुसी हुई है अभी, बर्तन धो के हटी है, और साथ साथ ये सही है इसका टीवी इसके हाथ में घूमता है ना, जहाँ लगाओ वहाँ पर शुरू हो जाते हैं। सो अभी मैं खाने के लिए कुछ सोच रहा हूँ, पता नहीं समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या खाऊँ, डाइट में यही दिमाग खराब रहता है, मतलब नॉर्मल जब हम खाना खा रहे हैं तो दिन में 3 बार खा के स्यापा सुबह नाश्ता, दोपहर को लंच, रात को डिनर, पर उसी को जो हमने 6 बारी में 5 बारी में डिवाइड करना होता है, फिर थोड़ा थोड़ा कच। अभी से मैंने सुबह से लेके अब तक सिर्फ 2 मील्स खाई हैं, सोचोगे ओनली 2 मील्स, मन नहीं कर रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो अभी मेरे को उपाय करना पड़ेगा, कॉफ़ी के साथ आई थिंक पीनट बटर ब्रेड ही चलेगा।
तू क्या खाएगी? कुछ खाना है? नहीं खाना? बेचारी ये भी परेशान हो जाती, मैं क्या खाऊं? चलो लेट्स उपाय, देन आपको दिखाएं। तो हमने उपाय निकाल लिया। एक राइस केक पड़ा था, मैंने अपना पीनट बटर बनाया था डेट्स वाला, मिक्स करके इसमें डेट्स मिक्स है पीनट बटर, और ऊपर से इसमें डाल रखा मैंने ये वॉलनट्स यानी कि अखरोट। सो आई एम हैविंग इट विद माय कॉफी। तो अभी गैरी आया है नीचे, कह रहा है नीचे आ, तो देखते हैं भाई नीचे क्या है। ऐसा है घर में मिलने साइकिल फिटनेस। मैंने कहा बाइक तो नहीं ले ली? नहीं बाइक भी लेंगे बट अभी। तो ये है भाई वेरी गुड फायरफॉक्स। मैंने कहा तेरे से इंस्पायर हो गया, मैंने फिटनेस फिटनेस शुरू करें। सही है भाई, बढ़िया है साइकिल तो, स्टार्टिंग इससे होती है बाइक की। वैसे भाई बाइक थी तो साइकिल है मस्त, गैरी भाई की साइकिल। मुझे लग रहा था ये बाइक लेके आ गया नीचे, कह रहा नीचे आ। ये भी कम नहीं है बाइक से वैसे। क्या ब्लॉक के लिए ले रहा है क्या तू मेरे को? हालत देख मेरी शेट भाई। हालत हमारी कौन सी अच्छी है? पजामे में घूमते हैं भाई, साइकिल में तो ऐसे घूमेंगे ना। और यहाँ तो गाड़ी निकालेंगे तो गाड़ी के साथ तैयार होंगे। रांची के ड्रमर मैं था। अबे नहीं रांची गए थे? हाँ ये नहीं था मैं, राहुल नक्सली लोग तो इसी को दिख रहे थे। अच्छा रांची गए थे वो, झारखंड। अच्छा वो झारखंड, हाँ रांची गए थे मैं। फिर जहाँ पे मैसेज ने बोला था यहाँ पे तो कोई, ये धुआं फूकने वाले लोग देख रहे हो ना, पूरे घर में धुआं कर दिया। हट, ऐसी पॉल्यूशन कम है घर में और कर दिया। पॉल्यूशन नहीं है घर में, धुआं क्या होता है? क्या होता है पॉल्यूशन किसे कहते हैं? वो धुएं से मच्छर मरते हैं, ये वाले मच्छर। नहीं पॉल्यूशन किसे कहते हैं? सर्दी हो गई है, मच्छर मारने के चक्कर में इंसान मार दो। देखियो